और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दो लेजिस्लेटर्स गले मिल रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विद पठानिया साहब। पठानिया साहब, द फायर ब्रांड लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, योर रिएक्शन सर। देखें, आपने इसी पॉइंट से शुरू किया, बशीर वीडी साहब इज अ लर्नड फ्रेंड। जी जी जी। और ये 90 के 90 जो लोग हैं वो सब हमारे फ्रेंड हैं। वी डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल, जिसे कहते हैं अगेंस्ट एवरीबॉडी। वी ऑल हैव टू वर्क, जिसे कहते हैं टुगेदर। हम सबको इकट्ठे काम करना है इस जम्मू कश्मीर की बेहतर तरक्की के लिए, तवानाई के लिए। हाँ, इट्स ए बैटल ऑफ आइडियाज। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज इनके साथ भी रहेंगे, बाकी मित्रों के साथ भी रहेंगे। उस पर हम, जिसे कहते हैं, जम के लड़ाई करेंगे, लेकिन एक्शन में हमारा यूनिटी होगा। इस देश को, इस मुख्यधारा को, इस जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बना पाएं, जम्मू कश्मीर का आवाम कैसे बेटर हो पाए, जम्मू कश्मीर का किसान, गरीब, महिला, या जम्मू कश्मीर का पहाड़ी, गुजर, जिसे कहते हैं दलित, कैसे आगे बढ़ पाए, इस बारे पे, जिसे कहते हैं, हम आज के बिजनेस के हवाले से जो आर्बिट्ररी रेफरेंसेस सर मूव ऑन की गई, और जाहिर सी बात है आपने भी उस पे बोला, और डॉक्टर वीरी साहब हमारे साथ इस फ्रेम में हैं, इन्होंने भी बोला उसके बारे में। देखें, आर्बिट्ररी रेफरेंस पे एक अच्छी बात है आज निकल के आई कि सभी पार्लियामेंटेरियंस ने, सभी लेजिस्लेटर्स ने अपने पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होके, अब मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो मैंने दो ही लोगों पे, प्रोफेसर भीम सिंह जी पैंथर्स पार्टी से और सोमनाथ चटर्जी जी, उनको मैंने खराज हकीकत पेश किया। सब ने अक्रॉस दी, जिसे कहते हैं कटिंग अक्रॉस दी पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं पार्टी लाइंस, सब ने इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए और इस जम्मू कश्मीर के लिए जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसे रिकॉग्नाइज किया, उनको खराज हकीकत पेश किया, और उनकी, जिसे कहते हैं, लाइफ हिस्ट्री से वो पन्ना एक निकाल के जो पन्ना हम सब, जिसे कहते हैं, अपने लाइफ में उतार पाएं और इस मुआशरे के लिए, इस समाज के लिए, जिसे कहा गया खिदमत खलक हम कर पाएं, इसकी ओर अहद किया गया। सर, बने रहिए। डॉक्टर साहब, योर रिएक्शन अबाउट टुडेज बिजनेस सर। आज तो आर्बिट्ररी रेफरेंसेस थे, मैंने पहले तकरीर में भी कहा, 6 साल का वक्फा गुजरा, और आप यकीन करें कि 57 ऐसे लोग, पॉपुलर लोग, जिन्होंने अपने दौर में लोगों की खिदमत की है, इस रियासत को कंट्रीब्यूट किया है, वो हम में नहीं रहे हैं। मैंने ये भी कहा अपने तकरीर में कि रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोग कितने मुसीबतों और किन मुश्किलात में गुजरे हैं, कि हम जो रोज़ पढ़ते हैं, हमें भी बहुत सारे लोगों के बारे में पता नहीं था कि ये हम में नहीं रहे हैं। तो आज उनको श्रद्धांजलि, खराज अकीदत आप कहें, देना था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ओवरऑल सेटिस्फाइड विद द टू डेज बिजनेस सर? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो हर हमेशा अमन की बात करते थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में थे, आरएसएस के आइडियोलॉग थे वो, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत थी उनमें, वो कभी झगड़े की बात नहीं कर रहे थे। आज की डिस्पेंसेशन को आप देखिए, कितना मतलब सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है। लेकिन जब वाजपेयी जी यहाँ आए 2003 में, उनसे पूछा गया कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह आप हल करें, उन्होंने कहा इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के तरीके तर्ज पे हम हल करेंगे। ये डॉक्टर साहब रुके, मैं आपने देखने वालों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एक ही फ्रेम में, और आरएस पठानिया साहब आपकी एक रिएक्शन, व्हाट वाज द रियल एक्चुअल पॉइंट यू वांटेड टू मेक ऑन टू द फ्लोर ऑफ द हाउस? सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उस पॉइंट का पॉलिटिकल पर्पस क्या था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जी जी जी। मैंने आज ओबीचरी रेफरेंस था, मैंने आज भी कहा, हमारे मित्र भी साथ हैं। यू स्पोक वेरी सीरियसली, इजंट इट? देखें, ऐसा है कि एक 2 or 3 lines, आई वोंट कॉल इट एज ए मोशन और ए रेजोल्यूशन, 2 or 3 lines विच वर नॉट ए पार्ट ऑफ द बिजनेस, विच वर नॉट नरेटेड बिफोर द हाउस, नोबडी रेड इट, ठीक है। स्पीकर साहब एडमिटेड कि मेरे पास पहुंचा नहीं जी जी। और एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ऑनरेबल मेंबर उसकी प्रेस रिलीज बना के मीडिया में भेजेंगे जी जी। तो आपसे, मीडिया मित्रों से भी अनुरोध है, आप वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हाउस के बिजनेस का पार्ट हो या जो कभी हाउस में हुआ हो। आप मेरे कहने पे या इनके कहने पे, किसी के कहने पे हाउस की रिपोर्टिंग कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि अगले 3 दिन जो आने वाले हैं, जो गवर्नर सेड्रस है, उस पर आप बात करेंगे, डॉक्टर साहब बात करेंगे, यू आर फुली चार्ज्ड एंड गियर्ड अप। वन लास्ट रिएक्शन फ्रॉम यू सर। अच्छा है पठानिया साहब जैसे लोग, ये पहले तो ये हम मेरे दोस्त हैं जम्मू में, और हम सर बाकी में दोस्त है क्या? हाँ, बिल्कुल हम दोस्त। एक बार गले मिले सर, एक बार ये आप देखें, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स, मुझे दीजिए असेंबली से इजाजत, खुदा हाफिज़।